चलिए अब रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। आज से स्लॉट बुकिंग शुरू हो गई है प्रिकॉशन डोज के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज से प्रिकॉशन डोज के लिए स्लॉट बुकिंग की शुरुआत हो गई है। 10 जनवरी से लगेगी अब बुजुर्गों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को तीसरी डोज। बूस्टर डोज के लिए नए रजिस्ट्रेशन की लेकिन आपको जरूरत नहीं होगी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, आज से प्रिकॉशन डोज के लिए स्लॉट बुकिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दरअसल 10 जनवरी से लगेगी बुजुर्गों और फ्रंट लाइन वॉरियर्स को तीसरी डोज, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया था कि पहले जो वैक्सीन लगेगी 15 से 18 साल के बच्चों की, इसके बाद जो बूस्टर डोज है वो 60 साल से अधिक बुजुर्गों को और जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स है, और उसके लिए अब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि बूस्टर डोज के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, बूस्टर डोज कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जरूरी भी हो जाती है, और ऐसे में अब बूस्टर डोज लगनी शुरू हो जाएगी 10 जनवरी से बुजुर्गों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को। सबसे पहले ये तीसरी डोज यानी बूस्टर डोज लगाई जाएगी। तो वैक्सीन दो डोज अब वैक्सीन की लग चुकी है, और उसके बाद अब तीसरी डोज फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाई जाएगी और साथ ही बुजुर्गों। तो आज की बड़ी खबर यह है कि देश में वैक्सीन के 150 करोड़ डोज पूरे हो गए, और जिसके बाद ओडिशा में रेत पर एक कलाकृति बनाई गई है। 150 करोड़ डोज पूरे होने पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत पर कलाकृति बनाई और लोगों को जागरूक भी किया है। कोविड 19 प्रोटोकॉल का पालन करने का भी उन्होंने निवेदन किया है। तो ये जो कलाकृति आप देख रहे हैं, दरअसल ये सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बनाई है, क्योंकि देश में 150 करोड़ डोज पूरे हो गए हैं, वैक्सीन के लग गई है देश में, और वैक्सीन के 150 करोड़ डोज पूरे होने का लक्ष्य पूरा हुआ है, और उसके बाद ये सैंड पर ये तस्वीर बनाई और लोगों को जागरूक किया गया कि अभी भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो जो कोविड के प्रोटोकॉल है उनको फॉलो किया जाए। 150 करोड़ टीका लगाने का इतिहास भारत ने बना दिया है। इसके अलावा जो 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं, 2 करोड़ ऐसे लोगों को भी टीका लगवा दिया गया है, और भारत की इस उपलब्धि पर सेंट आर्टिस्ट ने अपने ही तरीके से उसको नमन किया है और लोगों को जागरूक भी किया और रेत पर कलाकृति को बनाया और प्लीज़ फॉलो कोविड 19 प्रोटोकॉल, लोगों को जागरूक भी किया है। तो देश में पूरा हो गया 150 करोड़ वैक्सीन का लक्ष्य, और वैक्सीन का ये महाअभियान शुरू हुआ और वहां से अब ये 150 करोड़ डोज तक पहुंच गया, जो 150 करोड़ डोज का लक्ष्य पूरा हमारे देश में हो गया है, जिसके बाद ये सैंड आर्टिस्ट ने ये तस्वीर बनाई खूबसूरत सैंड पर और लोगों को जागरूक किया। तो ये दरअसल ये जो सैंड आर्टिस्ट हैं उनका नाम है सुदर्शन पटनायक, जिन्होंने ये कलाकृति बनाई है रेत पर, और इससे लोगों को जागरूक किया गया है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है कोरोना से जुड़ी हुई। ब्रिटेन में दूसरे दिन कोरोना के मामलों में कमी आई है, ये एक राहत की खबर है ब्रिटेन के लिए, और कोरोना पर बूस्टर डोज का असर दिखा है, ये अच्छी खबर है। क्योंकि ओमिक्रॉन पर बूस्टर डोज का असर है, वहां के हेल्थ चीफ ने ये बात कही है। लंदन में मरीजों की संख्या बढ़ी लेकिन मौत के आंकड़े वो कम हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 30% तक कम हुआ है कोरोना का ये जो संक्रमण का मामला है। ब्रिटेन में दूसरे दिन कोरोना के मामलों में कमी आई है, ये एक अच्छी खबर है। तो ब्रिटेन में कोरोना के मामलों में आज दूसरे दिन कमी आई है। पिछले 24 घंटे में 178,250 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 226 लोगों की इस बीमारी से मौत हो गई है। भाई ब्रिटेन के हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक कि अगर माने तो इन्फेक्शन में 6% की कमी आई है। साइंटिस्ट का कहना है कि कोरोना के बूस्टर डोज की वजह से वैश्विक महामारी में कमी आई है। बिल्कुल, और इसका असर आप देखिए भारत में, और भारत में भी 10 जनवरी से बूस्टर डोज की प्रक्रिया शुरू हो रही है। हालांकि ये शुरुआत में 60+ बुजुर्गों को और कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स को दी जाएगी। क्योंकि लंदन में, ब्रिटेन में जो हुआ उसमें ये है कि बूस्टर डोज काफ़ी सफल रहा, और ब्रिटेन के हेल्थ चीफ का कहना है कि बूस्टर डोज के चलते कोरोना के मामलों में कमी आ रही है, ये एक अच्छी खबर है, एक राहत की खबर। उन्होंने कहा कि जो कोरोना की वैक्सीन है उसकी चौथी डोज लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बूस्टर डोज अपना काम कर रहा है।